हेलो एंड वेलकम फ्रॉम द दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. दिस इज टर्मिनल 3 जहाँ से एमिरेट्स की फ्लाइट टेक ऑफ करती है. एंड दिस इज अ पॉड. ये दुबई एयरपोर्ट का मरहबा लाउंज है. एंड एज यू कैन सी दिस इज द चेक इन काउंटर. यहाँ से आप अपना लाउंज एक्सेस कर सकते हो. आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, पासपोर्ट दिखाना है एंड अपना कार्ड स्वाइप करना है. अगर आप दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हो या इन जनरल आप किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट लेने वाले हो, आपको मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ हाउ एन इंटरनेशनल लाउंज लुक्स लाइक और आपको एक्चुअली क्या क्या फैसिलिटीज मिलती है और कितना डिफरेंट होता है ये डोमेस्टिक लाउंज से. नाउ एज सून एज यू एंटर, बहुत सारा सीटिंग स्पेस है यहाँ पे. आप देख सकते हो यहाँ पे सिंगल चेयर्स हैं और हर जगह छोटे छोटे डिस्टेंस पे ही कॉफी मशीन्स हैं एंड कोल्ड मिल्क वगैरह भी है. तो अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग. द बेस्ट पार्ट इज कि लाउंज में हर जगह ऐसे डिस्प्लेज लगे हुए ताकि आप अपना फ्लाइट मिस ना कर दो. इसमें आपके फ्लाइट का बोर्डिंग टाइम, अगर कोई डिले है एंड द डिपार्चर टाइम, एवरीथिंग इज मेंशन्ड. गेट नंबर भी लिखा हुआ है. आप देख सकते हो दिस इज द बिगर सिटिंग एरिया. ये सबसे बड़ा स्पेस है, ओपन स्पेस है एंड इट गोज ऑल द वे टिल देयर. मैं आपके सामने ही पूछ लेता हूँ कि यहाँ पे जो ये बेवरेज वाला सेक्शन है, पहली बात तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे फंक्शनल है, बंद नहीं है या कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, रेनोवेशन नहीं है. काफ़ी एयरपोर्ट लाउंजेस में ऐसा होता है कि लाउंज में आपको बेवरेज सर्व नहीं किए जाते हैं. आई जस्ट चेक विद हिम इफ द बेवरेज इज इंक्लूडेड या आपको अलग से पे करना पड़ता है. एक्सक्यूज मी, इज द बेवरेज इंक्लूडेड द अल्कोहल? इट्स इंक्लूडेड राइट. सो हाँ, जो भी मदिरा धूमपान के प्यारे हैं, जिनको शरबत उधम का बहुत शौक है, जी हाँ ये वर्ड मैंने बहुत ही मेहनत से सीखा है, तो मैं फिर से बोलूँगा, जिनको भी शरबत उधम का शौक है वो यहाँ पे आके पूरा एंजॉय कर सकते हैं, अपना पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं. दिस इज द कलेक्शन. अब मुझे नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता है, आप खुद देख लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि हर सीट पे, हर चेयर पे, चाहे वो हर सोफा हो, हर जगह पे आपको चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है. एज यू कैन सी देयर इज चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट्स एज वेल. ओके, यूनिवर्सल चार्जिंग सॉकेट है, ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ दुबई का सॉकेट है तो ही यूज़ होगा, विच इज अ रियली गुड थिंग. एंड देन हियर वी हैव a kids area, so you can see cartoons, and if you don't want to see cartoons you can just drop off your kids. There is a lot of space hai. There is a PS4, I guess this is a PS4. to agar aap bachcho ke sath aa rahe ho to wo bahut achi cheez hai. yahan pe ek baby changing room bhi hai, to aapko diaper wagera badalna hai, aapko nahi matlab aapko apne bacche ka diaper badalna hai, aap aa sakte ho yahan pe. yahan pe I guess aapko spa nahi milega, which is a little let down, but ठीक है अगर आपको 2 रुपये 25 रुपये प्रायोरिटी पास के भरोसे सब मिल रहा है, विच इज ऑलमोस्ट व्हेन यू पे नथिंग, तो आई डोंट थिंक यू शुड कंप्लेन अबाउट इट. एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. इफ यू यप व्हाट्स योर चैनल? IAMHVR. थैंक्स मैन. या आई विल सी, पुट मी इन व्लॉग. श्योर, यू वांट टू कम? My name is Muhammad and I'm Harsh. So, hasde chehre da matlab eh nahi hunda ki unhan nu koi takleef nahi hundi. Now, talking about the food, sabse important cheez iske liye aap ye video dekh rahe hain. So, if we talk about the cuisines, to yahan pe dominant hai hum log thoda. Yahan pe Arabic cuisine milta hai throughout aur jo dusri cuisine milti hai wo hai Indian cuisine. Kafi options hai yahan pe, salad ka option hai. आप देख सकते हो बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस भी हैं. यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे ओपन रखे हुए हैं. काफ़ी एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि वो कैन ओपन करके देते हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट. आप इसको ऐसे ही लेके जा सकते हो, विच इज़ अ रियली गुड थिंग इन माई ओपिनियन. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डेजर्ट का सेक्शन है एंड सम असॉर्टेड ड्राई केक्स आर देयर. दिस इज द एंटायर डेजर्ट एरिया. जूसेस वगैरह हैं एंड देन देयर आर सम फ्रूट्स. तो आपको काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाएगा. आलू गोभी की सब्ज़ी है, मलाई कोफ्ता है, फिर बिरयानी है, राइस है, दाल है और मिक्स्ड वेजिटेबल्स है. ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी. सैलड का ऑप्शन बहुत अच्छा है. यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स अनलिमिटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो, आप खोलो और पीना शुरू कर दो. और यहाँ पे इंडियन और अरबी कुजीन के अलावा पास्ता और नूडल्स भी आपको मिल जाएंगे. इट्स नॉट वेरी गुड, मैंने अभी टेस्ट किया, इट वॉज़ नॉट वेरी फैंसी, बट हाँ इट्स डूएबल और इंडियन कुजीन तो अपना जिंदाबाद है. हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ कैन यू एक्सेस इट विदाउट पेइंग एनी मनी? क्योंकि अगर आप पैसे दे के आ रहे हो तो इट मेक्स नो सेंस. अच्छा, आप बाहर किसी जॉइंट पे खा लो, जॉइंट खाने वाला जॉइंट, जैसे कि बर्गर किंग हो गया, KFC हो गया, स्टारबक्स हो गया, इन सारे जगह पे खा लो, बिकॉज दिस विल बी मोर एक्सपेंसिव. बट अगर आपके पास कार्ड्स है, रिक्वायर्ड कार्ड्स, लेट्स से वीज़ा मास्टर, जो आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस देता है, मेक श्योर कि वो इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस
क्लियरली मेंशनड हो उस पे, अदरवाइज आपको फालतू में पैसे देने पड़ जाएंगे. नाउ अगर आपके पास इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस नहीं है क्रेडिट कार्ड पे, अपने वीज़ा और मास्टर कार्ड पे, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास प्रिविलेज्ड कार्ड्स हो, अगर आपके पास प्रीमियम कार्ड्स हो या अल्ट्रा प्रीमियम कार्ड्स नहीं भी हो, मॉडरेट प्रीमियम कार्ड्स हो, तो आपको हो सकता है उसमें एक्सेस हो प्रायोरिटी पास का. अपने बैंक से चेक करिए और प्रायोरिटी पास अगर आप में है अवेलेबल तो आप उसको मंगवा लीजिए, बिकॉज प्रायोरिटी पास भी आपको यहाँ पे एक्सेस दिला देगा. एंड अगर आपके पास अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड है तो अमेरिकन एक्सप्रेस के तो अलग से लाउंजेस होते हैं, वहाँ पे उसको यूज़ कर सकते हो. नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है तो आप अपने साथ गेस्ट्स को भी लेके जा सकते हो, जो आपको वीज़ा और मास्टर कार्ड पर नहीं होता है. वीज़ा मास्टर कार्ड में पर कार्ड पर पर्सन ही अलाउड होता है, लेकिन लाउंज में एक लिमिटेशन होती है कि आपको एक नंबर दिया जाता है पर क्वार्टर या पर ईयर का. जैसे मेरे पास जो एक्सेस है वो पर ईयर सिर्फ 2 लाउंज एक्सेस का है. एंड ट्रस्ट मी, मेरे पास जो कार्ड है उसका मुझे एनुअल फी भी कुछ नहीं देना पड़ता है. इट इज़ द चीपेस्ट कार्ड जिसके साथ आपको प्रायोरिटी पास मिल जाए. मैं अपने कार्ड का भी लिंक मेंशन कर दूंगा ताकि आप भी वो कार्ड अप्लाई कर पाओ. तो मैं कह रहा था कि अगर आपके पास प्रायोरिटी पास है आप अपने साथ उस पर गेस्ट्स भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वो एक्सेस की तरह काउंट होगा. जैसे अगर मेरा साल का 2 एक्सेस अलाउड है और मैं अपने साथ अभी एक गेस्ट को लेकर आता तो मेरा 2 एक्सेस खत्म हो जाता. तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपको कितना एक्सेस मिलता है. यूजुअली पर क्वार्टर के हिसाब से दिया जाता है, बट किसी किसी कार्ड में, क्योंकि मेरे कार्ड का बहुत ही कम चार्ज है रेंटल, तो मेरे में ईयरली बेसिस पे है, यूजुअली पर क्वार्टर होता है 1, 2, 4, किसी किसी में अनलिमिटेड होता है. तो आप हमेशा अपने बैंक से कॉन्टैक्ट में रहिए, अपने जो भी क्रेडिट कार्ड आपको कोई ऑफर करता है तो उनसे पूछिए कि आपको इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस है या नहीं है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप यहाँ पे कब आ सकते हो. तो आप लाउंज का एक्सेस तब ले सकते हो जब अपने अपना बोर्डिंग पास ले लिया हो, सिक्योरिटी चेकिंग करा लिया हो, इमिग्रेशन करा लिया हो. दिस इज़ फॉर इंटरनेशनल. अगर आप इंटरनेशनली डोमेस्टिक फ्लाई कर रहे हो तो आपका बोर्डिंग और सिक्योरिटी हो जाना चाहिए. उसके बाद फ्लाइट लेने से पहले जो बीच वाला टाइम बचता है उसके बीच में आप लाउंज एक्सेस ले सकते हो. और उसी के साथ साथ आप लाउंज तब भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपको एक लेओवर मिलता है 2 फ्लाइट्स के बीच में. जैसे मान लो कि आपका फ्लाइट है मुंबई से दुबई, दुबई से लंदन, तो आप जब दुबई में लैंड करोगे और अगर आपके दोनों फ्लाइट्स के बीच में, दुबई लैंड करने और दुबई से टेक ऑफ करने के बीच में 3-4 घंटे का टाइम है या उससे ज़्यादा टाइम है, तो आप आके ऐसे मरहबा लाउंज में या किसी भी लाउंज में, किसी भी अदर एयरपोर्ट पर जाके लाउंज एक्सेस कर सकते हो. इन दो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको लाउंज एक्सेस करना अवेलेबल होता है. मतलब बेसिकली आपको ट्रैवल करना ज़रूरी है. लाउंज एक्सेस आप लैंड करने के बाद नहीं ले सकते हो. आप लाउंज एक्सेस तब भी नहीं ले सकते हो अगर आपकी फ्लाइट है ही नहीं. आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपके पास कार्ड है तो आप बोले कि नहीं मैं लाउंज जाऊंगा और खा लूंगा. नॉट पॉसिबल. आपको फ्लाइट टिकट बुक करना होगा और आपको जाना पड़ेगा. कहीं ट्रैवल करोगे तभी लाउंज एक्सेस मिलेगा. और सारे एयरपोर्ट्स पे लाउंज नहीं होता है, तो मेक श्योर कि आप जिस भी एयरपोर्ट पे जा रहे हो वहाँ पहले ही चेक कर लो. और आपको ये भी चेक करना होगा कि उस एयरपोर्ट पे कौन सा लाउंज फैसिलिटी है. दूसरी सबसे बेस्ट बात, अभी क्योंकि मैं इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूँ, हाँ जी, तो अगर ही मैं बिजनेस या फर्स्ट क्लास से ट्रैवल कर रहा होता तो मुझे एमिरेट्स वाले ही लाउंज एक्सेस देते. तो आप अगर अपने एयरलाइन के बिजनेस क्लास फर्स्ट क्लास पर ट्रैवल करते हो तो काफ़ी एयरलाइन जैसे कि एयर इंडिया हो गया, सारा हो गया, एमिरेट्स हो गया, इन दिस केस आपको लाउंज एक्सेस फ्री में देता है. आपको कार्ड की ज़रूरत ही नहीं है, आपका बोर्डिंग पास आपका लाउंज एक्सेस है. सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दैट. आप अपने कौन से क्लास में ट्रैवल कर रहे हो उस चीज़ का भी ध्यान रखना आपको ज़रूरी है. नाउ द थर्ड थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किसी और का कार्ड यूज़ कर सकते हो कि नहीं. जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते आप किसी और का कार्ड. आपके कार्ड पे और आपके बोर्डिंग पास पर सेम नाम होना चाहिए, वरना आपको लाउंज एक्सेस नहीं मिलेगा. तो जिसका नाम है वो आपके साथ ट्रैवल करना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी अलाउड. और एक कार्ड पे हमेशा सिर्फ एक ही आदमी अलाउड होता है. तो चलिए, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है और 15 मिनट में मेरा फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा. मैं फटाफट कुछ खाता हूँ और आपको अगले वीडियो में मैं अपने एमिरेट्स के फ्लाइट का पूरा टूर देने वाला हूँ. एंड यू वोंट बिलीव, मैंने वो टिकट सिर्फ 10,000 रुपये में बुक की है दुबई टू मुंबई. तो अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस देखना है तो मेक श्योर आप यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से कहीं एक जगह पे क्लिक करके वीडियो ज़रूर देखना वो. नाउ दैट बीइंग सेड, दिस इज हर्ष. आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपको इस वीडियो में मज़ा भी आया होगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अंटिल दैट टाइम यू गाइस हैव अ गुड टाइम. बाय बाय.